अरे बेटा मैं बच्चा हम हैं अभी काहे रोवत हो, गंदी बात। सवेरे डांट दिया शायद इसलिए रो रही है। गंदी बात करती है, रोने जा रही। अभी सब काम हो जाएगा, रोते नहीं है। गंदी बात हो गया तो अभी हम आए हुए कचहरी। ये देखिए कचहरी, आप देख सकते हैं वकील साहब के पास में आए हो। तो रेंट एग्रीमेंट बनेगा जी का, बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है रेलवे स्टेशन के पास में। देवी जी आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। अभी चुका मॉर्निंग का, चलिए आज के प्यारा व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। खुश रहिए। फिलहाल खाना वाना बढ़िया से हम खा लिए थे। आज हम जा रहे हैं बैंक, ठीक है, अकाउंट खुलवाने के लिए यहाँ पे, वो भी उत्तर प्रदेश में। तो खुल जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छा से जिंदगी अपना बिताते रहेंगे हम लोग साथ में, ठीक है। घर में रहना, हम आ जाएंगे ना, यहीं के लिए छोला भटूरा लेते आएंगे, उधर से काम हो जाएगा। दोस्तों अभी घर से निकले करीबन काफ़ी देर हो गया है और हम गए थे बैंक में ना, तो पहले स्टेट बैंक गए तो वहाँ खाता खुला ही नहीं, ठीक है। उसके बाद हम यूनियन बैंक भी गए, वहाँ भी नहीं खुला। इंडियन बैंक गए तो वहाँ खुलने वाला था, लेकिन एड्रेस वो वही बात है, सेम है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक में कहा गया कि आप जो है बिहार के रहने वाले हैं और यूपी में खुलवा रहे, तो आपको यूपी का ही एड्रेस चाहिए, तो वहाँ भी नहीं खुला। सेम सारे बैंक में वही प्रॉब्लम हो गया। तो अभी हम आए हुए कचहरी, ये देखिए कचहरी, आप देख सकते हैं वकील साहब के पास में आए। तो रेंट एग्रीमेंट बनेगा, उसके बाद हमारा एड्रेस चेंज हो जाएगा आधार कार्ड के, फिर उसके बाद जो अपना नया खाता खुलवा सकते हैं, ठीक है। आज पूरा दिन इसी चीज़ में हम लगे रहे। और साथ ही साथ अभी एजेंसी वालों को हमने कॉल भी किया कि हमारा गाड़ी नंबर आया है कि नहीं, लगा दीजिए गाड़ी हमारी, तनु यहीं पर खड़ी है। तो अभी रूम मालिक को हमने बोला है कि भैया आप अपना आधार कार्ड भेज दीजिए, क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं तो उसी एड्रेस पे हमारा जो है ना, अगर चेकबुक बनेगा ये बैंक का तो वो आएगा वहाँ से, और हमारा एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं कैसा क्या होता है, आपको बने रहिएगा ब्लॉग में, बताते हैं। अभी दोस्तों टाइपिंग करवाने के बाद गारंटर जो होते हैं ना, उनका बड़ा मुश्किल से मिला है, देखें कैसा क्या होता है। जैसे रेंट का होता है, रेंट का जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे टाइपिंग करवाने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों जो जो काम करवाना था अभी घर पे हम बताएंगे, और अभी आ गए हम एजेंसी में, क्योंकि जो हमने स्कूटी लिया था उसका नंबर लगवाने के लिए, तो फाइनली नंबर लगा। क्या नाम है भैया जी आपका? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी का फाइनली कागज भी मिल गया है। और ये कुछ भैया लोग, क्या क्या नाम है आप लोगों का? जी मेरा समीर नाम है। आपका भैया कहाँ घर हुआ आप लोगों का? सर मेरा लक्ष्मीपुर सरावस्ती। मतलब यूपी से ही है सब? जी 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 जी। अच्छा, बिहार वाले कोई नहीं है? जी कोई नहीं है। चलो थैंक यू सो मच भैया, आप सबसे मिलके अच्छा लगा। आप लोग ब्लॉग में आ रहे हो, है ना? जी जी जी। तो दोस्तों फाइनली हम घर पहुँचे हैं, और देखिए इनका क्या हाल हुआ। अभी खाना ला के हम रख दिया यहाँ पे, हालांकि खाना तो बना हुआ था मॉर्निंग में। डब्लू और बेटा कहाँ होगा, कहाँ होगा बताओ, कहाँ हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? कहाँ होते पेट दर्द होता है? हाँ टट्टी होता है, बहुत ज़ोर से दर्द होता है। कोल्ड ड्रिंक पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, अभी ठीक हो जाए। उठो 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 उठो, हम खाना निकाल दो। उठ बेटा उठ, अभी गाड़ी का नंबर प्लेट लग गया, इनको खाना निकाल के देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रात से ही बता रही कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, उल्टी जैसे इनका मन होगा। क्या ही होता है दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि बताएंगे भी थोड़ी देर खाना ना खा करके। देवी जी का तबीयत ठीक नहीं लग रहा है गाइस, क्योंकि अकेले रही हैं ना, धूप इतना होता है, गर्मी लाइट में शायद नहीं हुआ, इस वजह से पेट में इनका गैस बन गया है, तो कोल्ड ड्रिंक लाना पड़ा अभी। तो मस्त अभी कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं। बिरयानी बना देखिए, अभी खाना खिलाए और रोने लगे। काहे रोवा तू, ये बताऊंगा तू काहे रोवा तू, हम दिन भर नहीं थे इसीलिए, दिन भर नहीं थे इसीलिए। अमित हम कैसे का चुप करा यार बच्चा, अरे बेटा मैं बच्चा हम हैं अभी काहे रोवत हो, गंदी बात। सवेरे डांट दिया शायद इसलिए रो रही है, गंदी बात करती है, रोने जा रही। अभी सब काम हो जाएगा, रोते नहीं है, गंदी बात। तो गाइस हम सो के उठ गए हैं और ये चले गए थे थोड़ा काम से बाहर, और मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना ज्यादा, एक पेट भी दर्द हो रहा था, ऊपर से कोई था नहीं,
इतना ज्यादा इनको मिस कर रहे थे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए चले गए थे, फिर ये आए हैं मेरे लिए, मेरा फेवरेट छोला भटूरा लाए, खाए हैं, कोल्ड ड्रिंक पिए, सो गए हैं, अभी अभी उठे हैं, अब हम कपड़ा सहा के रख रहे हैं, जा रहे नहाएंगे फिर घूमेंगे। चलिए शाम में इनको थोड़ा टहला देते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश होगा इनका भी। ये देखिए कपड़ा सभी सब छत के ऊपर निकाल के लेके आए हैं, और जिस घर में अभी रह रहे हैं ना, हमको समझ में नहीं आता है कि हम तो ना बाहर मोहल्ला का नाम बताए हैं, ना ही आजू बाजू का नाम बताया कि बस सिर्फ पता है कि बहराइच में हम लोग रह रहे हैं, फिर भी पता नहीं कैसे मालूम पड़ जाता है सब लोग घर पर आ ही जाते हैं क्या जी, इतना प्यार करते हैं लोग हम लोगों से। देखिए तो अब तो दोस्तों नहावा के एकदम देवी जी फ्रेश हो गए, देखना जरा इधर, ये देखो अभी ये पूजा कर रहे हैं माता जी का, अभी आज सोमवार है ना, आज के दिन हम पूजा करते हैं क्या जी। अच्छा चलिए, माता जी आपको खूब आशीर्वाद दे, खूब तरक्की दे, माता जी मेरे पति की उम्र 100 साल कर दे, 100 साल कर दे, फिर हमको जुल्म सहना पड़ेगा ना, काहे का जुल्म, ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे तो ऐसा नहीं, हम हैं ऐसा नहीं। तो दोस्तों फाइनली नहावा रेडी हो गए, शाम के टाइम में मॉर्निंग में भी नहा लिए थे, रात में भी नहा लिए, मज़ा आ गया, माइंड फ्रेश हो गया, थोड़ा सा बाहर से घूम के आते हैं रात के टाइम में, क्योंकि दिन भर तो घूम ही रहे थे, और करीबन हम 4:30 बजे आए हैं, तो नहीं 4:30 बजे नहीं, 5:30 बजे, तो 5 बजे 5-6 बजे 6-7 बजे तक हम लोग सो ही रहे थे, 6 बजे तक, 6:30 बजे तक हम सो गए थे हम दोनों मिलकर, तो थोड़ा सा थकावट जो कम है अभी, मन अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, तो अभी बाहर चलते हैं, और बाकी हमारे गाड़ी में नंबर प्लेट लग गया पीछे और आगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है चले मार्केट में, उससे पहले आज तो अभी हम लोग मार्केट पहुँच गए, ले रहे हैं सब्ज़ी, हरी हरी सब्ज़ी अच्छा रहता खाने के लिए, कितना हो गया भैया, 40 रुपये किलो है सर, भिंडी 40 रुपये किलो है गाइस, ले लीजिए। अभी हम लोग शॉपिंग करने के लिए घंटाघर आए हुए, ये देखिए घंटाघर का कितना प्यारा नज़ारा है, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो अभी हम लोग मार्केटिंग कर लिए हैं, और भगवान जी का बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ है रेलवे स्टेशन के पास में, देवी जी आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे दर्शन करने आई हैं, है ना जी, कितना सुंदर लग रहा है भगवान जी, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल आप सब लोग दर्शन कीजिए, ये देखिए हमारे भगवान जी कितना प्यारा लग रहा है, मंदिर है यहाँ देखिए आप लोग, प्रणाम पंडित जी, ये देखिए आप लोग कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए घर पे, और देवी जी देखिए गर्मा गर्म बना रहे हैं भुजिया, ये देखिए आहा भिंडी अभी जो हमने लिया है ना, वही ऐसे घूमे तो बहुत जगह, फालूदा पता नहीं क्या क्या चीज़ खाई, कचालू और क्या था, गन्ने का जूस पिए मस्त, मतलब 3-4 प्रकार की चीज़ें तो खा करके जो हम लोग का पेट जो है ना डमाडम हो गया है, लेकिन खाना खाना जरूरी है, पता है खाना कब कितने बजे बज रहा, खाना जो है बन रहा है करीबन रात के 12 बजने वाले हैं। हाँ।